लो जी, फिर से आगे एक नई ट्रिक सिखाने के लिए, आपको दिखाने के लिए आइए, सीखिए और देखिए क्या है वो ट्रिक। आगे आप लोग, हाँ जी, आपको मैं बताऊंगा हर बार की तरह कि आंसर आपका क्या आया है, और नहीं कर पाया, नहीं दिखा पाया तो दूंगा 25,000 रुपये। 25,000 पहले दिखा दो जी, असली असली असली। कैमरामैन फोकस कर लो जी। भारतीय रिजर्व बैंक। आज हम जीत के जाएंगे, 25,000 मेरे को चाहिए ही चाहिए, मतलब मैं नहीं करवाऊंगा। तो चलो मैं होता हूँ आगे, और आप लिख दीजिए, तीन डिजिट लिख दे, तीन संख्याओं के डिजिट लिख दो, कुछ भी, एक जैसे तीन संख्या लिख दो, तीन संख्या कुछ भी हो, एक जैसी लिखनी है, लेकिन एक जैसी, हाँ मतलब जैसे एक हो ना तो तीनों एक होने चाहिए, दो हो तो, बता रहा हूँ ना, आप करो सही। तीन संख्याएं लिखो जी एक जैसी, बराबर में, जैसे 111, 222, 333 कर दिया, लिख दिया जी। अब इसको है ना टोटल कर लो, किससे, आपस में टोटल कर लो, तीनों को टोटल कर लो, कर दिया जी, जो आंसर आया ना जी। अब उससे डिवाइड कर दो दूसरे संख्या को, जो बड़ी संख्या है, जो तीन लिखी थी, अब इसको डिवाइड कर दो, भाग कर दो, यानी कि कर दिया जी, जितना भी आंसर आया है उसमें तीन प्लस कर लो, इसी में तीन प्लस, हाँ जो डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया है उसमें तीन प्लस कर लो, कर दिया जी। अब उसको दो से भाग कर दो, भाग करना है, क्या किया आपने, पहले बताओ, शुरू से बताओ, पहले हमने प्लस किया है तीनों को, हाँ। उसके बाद डिवाइड कराए, ठीक है, प्लस किया हमने, कितना प्लस किया है, जो आंसर आया उसी को प्लस किया, उसमें तीन प्लस किए ना, हाँ तीन प्लस किया है, उसमें तीन प्लस किया है जी। और जो आंसर आया उसको डबल किया है, हाँ जी, हाँ जी, अब उसमें से जो है जितना डबल प्लस किया ना, सही किया ना, हाँ जी, हाँ जी। देखो अगर तुमने गलत करा ना तो गलत का जवाब आएगा, लाओ एक बार वो दे दो, पेन दे दो, पेन दे दो, मैं बिना देखे आपका आंसर बता रहा हूँ, ठीक है जी। आपका आंसर आ गया जी, पीछे नहीं मुड़ना, कैमरामैन को तो मैंने दिखा दिया, मैं नहीं देख रहा, आपका आंसर देखो ये रहा, 20। ये कैसे हुआ, ये कैसे करा, गलत है, सही है आंसर तो सही है जी, पर करा कैसे ये तो बताओ, करा कैसे, चलिए आपको भी दिखाते हैं और आपको भी सिखाते हैं हमने करा कैसे। अरे मैं तो बहुत टफ दिए थे, कोई भी डिजिट, कोई भी डिजिट करी, हाँ जी, क्या जोड़ आया, प्लस 9, फिर उसको डिवाइड करा, कितना आया, 37। आप कोई भी संख्या लिखवाओगे उनको टोटल करवाने के बाद जो भी आंसर आएगा वो 37 ही आएगा, ये ध्यान रख लेना, कोई भी लेंगे उसमें से कम नहीं, कोई भी संख्या, मान लो आपने लिख दिया जी 555, कितना हो गया, 15 से डिवाइड करो, करो कैलकुलेटर इस्तेमाल करो, 555 को 15 से डिवाइड करो, 555 को 15 से डिवाइड, 37। तो इसका मतलब ये 37 तो जरूर आएगा, इसमें आप तीन प्लस कर दोगे कितना हो जाएगा, 40, इसको दो से डिवाइड कर दोगे 20 हो गया जी, तो 20 आएगा, मतलब हर बार आंसर 20 ही आएगा, ये कितनी अच्छी टेक्निक है, सब पतिकों घुमाने वाली। चलो कोई बात नहीं है, पैसे तो आप जीत नहीं पाए, लेकिन एक नई ट्रिक आपको सीखने को मिली, आप इसको पब्लिक में दिखाइए और अपना नंबर बनाइए। अगर आपको हमारी ट्रिक पसंद आती है, लाइक कमेंट तो आप करोगे, शेयर भी कर दो यार, दबाकर, शेयरिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है, और ऐसे ही हमारा साथ जोश बढ़ाते रहे, होश बढ़ाते रहिए, बने रहे आप साथ, जय हिंद। इसी टेक्निक से ना हम ज्ञान नहीं कहलाएंगे, है ना, आज जाके सब पे इस्तेमाल करेंगे, सब फ्रेंड्स में बताएंगे टेक्निक, है ना।